के पीछे पीछे क्यों कर हो सकते हैं, कहां वो कहां हम, यानी हम उनके ऐसे कहां हो सकते हैं। तो ये ठीक है कि हम उनके ऐसे हो नहीं सकते, लेकिन बस एक जुमला कहूंगा, मैंने कहा था कि जिधर वो जा रहे हैं उसी तरफ हम भी जा रहे हैं। उसके लिए एक उसूल अर्ज करता हूं कि सिमत सफर सही हो चाहे रफ्तार सुस्त है, तो कभी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। कि आपका नुक्ता निगाह, आपका सिमत नजर, आपकी तवज्जो वही हो जो रसूल का मतलब है। और जरा साफ लफ्जों में कह दूं कि अगर वो सादिक थे तो वैसे आप सादिक न हो, मगर झूठ पर फख्र तो न हो। झूठ को अकलमंदी तो न समझें। और देख लीजिए ये जमाना वही है या नहीं कि बहुत से लोग सच्चों को बेवकूफ कहते हैं। वो आदमी तो अहमक है, हर बात में सच्चाई, हर बात में सच्चाई। अब जरा गौर कीजिए, बेसमझे कहा हो तो फतवा न लग सके, लेकिन ये कि गौर कीजिए हकीकत के लिहाज से कि आपने सच्चाई को बेवकूफी कहा, तो जो सादिक था उसके लिए ये गुस्ताखी गई या नहीं गई? और इस गुस्ताखी का रुख उसकी तरफ होने के बाद क्या इस्लाम बाकी रहा? इसी तरह से वो अमीन था, अब आप फखरिया बयान करें अपनी महफिलों में कि कैसा फुलां शख्स को मैंने चकमा दिया है, कैसी उसको चोट दी है। इसके मानी है कि सिमत सफर दूसरी हो गई, नुक्ते निगाह अपना रिश्ता जिता रहे हैं कि हम उनकी उम्मत हैं। वो